मार्बल वाली दीवारें, शानदार फर्नीचर और चमचमाता छत। ये तस्वीरें हैं बाबा के ढाबा वाले कांता प्रसाद के नए रेस्टोरेंट की। बाबा की किस्मत ऐसी चमकी कि सड़क किनारे मामूली सा ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद थोड़े ही वक्त में एक शानदार रेस्टोरेंट के मालिक बन गए हैं। बाबा ने ये नया रेस्टोरेंट भी पुराने ढाबे से कुछ दूर दिल्ली के मालवीय नगर में ही खोला है। बाबा के पहले के ढाबे और अब के रेस्टोरेंट की तस्वीरें देखिए, कुछ ही दिनों में कांता प्रसाद कहां से कहां पहुंच गए। बाबा ने नए रेस्टोरेंट के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। पहले मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता जो हमें यहां तक पहुंचाई है, क्या जब उनकी वजह से ये रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, बाबा का ढाबा खोल रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या चीज़ें आप यहां पे रखेंगे स्पेशल खाने पीने की? खाने पीने के लिए इंडियन चाइनीज जी, हाँ ये रहेगा। हाँ, और खाने पीने को चाय जो ये सब चलते रहेगा। अच्छा, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि आपको स्टाफ भी रखने होंगे, शेफ भी जो खाना बनाने वाले हैं। स्टाफ तो रखना पड़ेगा, हमारे बस से अकेला तो है नहीं जी। स्टाफ भी रहेंगे। हाँ जी, और बैठने का भी इंतजाम रहेगा यहाँ? हाँ जी, हाँ बैठने का इंतजाम रहेगा। तो इसमें बाबा जी के एसी वैसी भी लगवाओगे आप? नहीं जी, एसी उसी नहीं। हाँ, मतलब पंखा उनका भी लगेगा। हाँ, ये सब। रेस्टोरेंट के खर्चे के बारे में पूछा तो बाबा गोलमोल जवाब देने लगे। उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं बताया। कितना लगभग खर्चा लगा होगा इसको बनवाने में, रेस्टोरेंट में? अभी हमने एस्टीमेट को लगाया नहीं। हाँ हाँ, ये तो अब खर्चा और लोग ही लोग किए हैं। हाँ हाँ, चलो ठीक है, तो इसको और भी आप बढ़िया से बनाओगे आगे चल के? अगर हमारी किस्मत चमक गई जी तो जरूर बनाएंगे। बाबा ने कहा कि इस नए रेस्टोरेंट को मैं खुद चलाऊंगा, साथ में 3-4 स्टाफ रखूंगा। तो यहाँ पे जो आप लोग रखोगे, हाँ, वो भी क्या पढ़े लिखे मैनेजर और किचन में शेफ इस तरह से रखोगे आप? भाई लगभग कितने लोग रहेंगे आपके इस रेस्टोरेंट में? इस रेस्टोरेंट में कम से कम तो 3-4 आदमी रहेंगे लोग। हाँ। अच्छा, इसको हैंडल आप ही करोगे या फिर कोई मैनेजर? मैं खुद करूँगा। अच्छा, और दादी अम्मा जो आपके साथ हैं वो भी रहेंगी यहाँ पे? नहीं, उनको घर बैठा देंगे यहाँ। अच्छा, अब वो घर पे आराम करेंगे। कांता प्रसाद लॉकडाउन के दौरान उस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आए थे जब गौरव वासन नाम के एक यूट्यूबर ने उनके ढाबे का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। तब बाबा इस बात के लिए रो रहे थे कि उनके 50 रुपए तक की बिक्री नहीं हो पा रही है। उसके बाद बाबा के आंसुओं पर सोशल मीडिया यूजर्स का ऐसा दिल पिघला कि बाबा को लखपति बनते देर नहीं लगी। मौजूदा हालात देखकर आप कांता प्रसाद की जिंदगी के बदलाव को साफ देख सकते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।